हेलो दोस्तों स्वागत है आपका सभी चैनल तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एमपी स्कॉलरशिप फॉर्म के पार्ट थ्री के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं पार्ट वन का वीडियो बना चुका हूं पार्ट टू का वीडियो बना चुका हूं अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो वीडियोज़ को देख लीजिए अब हम बात करेंगे पार्ट थ्री के बारे में दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओ बी सी एस सी एस टी के छात्रों के लिए मिलती है तो दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट वीडियो है पार्ट थ्री लास्ट है इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा फॉर्म अप्लाई करना सीख जाएंगे मैंने तीन पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म की वीडियो को जो कि तीन पार्ट में डिवाइड किया जिससे अच्छे समझ में आ सके एक ही वीडियो में बताता तो आपको अच्छे समझ में नहीं आ पाता ओके तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं शुरू और देख लेते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो पूरा किस तरह से भरा जाता है पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आपको देख पा रहे हैं हमने पार्ट टू में पिछली वीडियोस में देखा था कि हमको दोस्तों अपलोड फोटो करना सीख गए थे हम आधार कार्ड चेंज करना समग्र आईडी चेंज करना वोटर आईडी एडिट पर्सनल डिटेल्स अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट हाई स्कूल टेंथ बोर्ड की मार्कशीट को अपलोड करना सीख गए थे इनकम सर्टिफिकेट पीस रिसिप्ट और लास्ट मार्कशीट अपलोड करना सीख चुके थे और अपना जो बैंक अकाउंट है उसको भी एडिट करना अच्छे से हम सीख सके थे सीख गए थे अपडेट करना सीख गए थे लेकिन दोस्तों अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं इन्हीं दो ऑप्शंस को हम दोस्तों पार्ट थ्री में दोस्तों सीखने वाले हैं फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शनस है दोस्तों वो है हमारा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं सबसे नीचे रजिस्टर एप्लीकेशन फोर स्कॉलरशिप और इसके बाद में आता है एप्लीकेशन डैशबोर्ड तो ये दो ऑप्शंस को हम अच्छे से सीखेंगे जिससे क्या आपको कोई भी डाउट ना रहे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो दोस्तों यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आ जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे जाएगा ओके इसके बाद में आपको यहां पर दिखाई देगा मेन बात अकेडमिक ईयर एकेडमिक ईयर है बाई डिफॉल्ट रहेगा आपको कोई भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में यहां पर दिखाई देगा स्कीम स्कीम में क्या करना है आपको जैसा कि स्कीम के ऑप्शन पर आप टेक करोगे यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ओबीसी ऐसा क्यों लगाएगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ओबीसी क्योंकि ये ओबीसी का कैंडिडेट है इसलिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ओ दिया गया है ओके तो इसके बाद में अब यहां पर आता है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट कोड इंस्टीट्यूट कोड और रीटाइप इंस्टीट्यूट कोड इंस्टीट्यूट कोड में क्या डालना है इंस्टीट्यूट कोड में आपको अपने इंस्टीट्यूट का कोड डालना इंस्टीट्यूट कोड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन पर टिक करके आप निकाल सकते हैं अगर यहाँ से आपको निकालना नहीं आता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बहुत टाइम क्या होता है निकलता नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्टीट्यूट कोड और के बारे में बता दूँ कैसा आपको इंस्टीट्यूट कोड और जो कोर्स ब्रांच कोड होता है ना वो कैसे आपको निकालना है ऑनलाइन ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ठीक है फ्रेंड्स तो अभी हम इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको एक इंस्टीट्यूट कोड डालकर आपको बता देता हूं जैसे कि मैंने एक इंस्टीट्यूट कोड डाल दिया और यहां पर भी मैंने एक इंस्टीट्यूट कोड डाल दिया जैसे ही आप इंस्टीट्यूट कोड डालोगे यहां पर रिप्रेस होने लगेगा होने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी इंस्टीट्यूट कोड की जो भी डिटेल डिटेल्स होंगी वो यहां पर आपको शो करने लगेंगी ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आना है आपको जैसे आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कोर्स ब्रांच कोड तो कोर्स तो फ्रेंड्स अब आपको कोर्स एंड ब्रांच कोड में क्या डालना है आपने अपने कोर्स का नेम जो कोड होता है वो डालना है जैसे कि आपने अगर बी किया है तो बी का कोड डालना है बी कर रहे हैं तो आपको बी का कोड डालना है और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको बी का कोड डालना है अब बी अब बी ए बी का कोड कैसे निकालना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ इस वीडियो में बताऊंगा तो जो कि वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ओके फ्रेंड्स हम इसमें मैं एक, एक जो कि कोड डाल देता हूँ जैसे मैंने एक कोड डाल दिया यहाँ से इसके बाद में जैसे ही मैं, मैं कोड डाल दूंगे हमारे सामने नया इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको जो भी कोर्स की डिटेल्स होगी वो आपको पर शो करने लगे जैसे कोर्स एम ए और ब्रांच क्या है पॉलिटिकल साइंस इस वाले कोड की ओके फ्रेंड्स इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आओगे आप थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर आपको क्या डालना है कोर्स ईयर आपको अपना जो कोर्स ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा जो भी आपका ईयर चल रहा है जैसे कि यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ही क्यों आया है क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है एम और एम में क्या होता है ओनली दो ईयर होती है फर्स्ट ईयर होती है सेकेंड ईयर होती है, है. थर्ड ईयर किस में होती है बी ए बी में ठीक है जी तो आपको सभी को पता है तो हम यहाँ से कोई भी एक भी फर्स्ट ईयर जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद में एडमिशन डेट फॉर एकेडेमिक ईयर एडमिशन डेट फॉर एकेडेमिक ईयर में क्या डालना है आपने जब भी एडमिशन लिया है अब दोस्तों ध्यान से समझना है कि हमको क्या डालना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडमिशन डेट में हमको डालना है जिस तारीख को हमने एडमिशन लिया है यानी कि जो आपका फर्स्ट राउंड चलाता था सेकेंड राउंड चलाता था या सी एल सी राउंड चलाता है सी एल सी थर्ड राउंड चलाता था जिस टाइम पर आपने पीस सबमिट की थी जो एक हज़ार रुपये पीस थी या दस रुपये आपने जो भी पीस सबमिट की थी जिस तारीख को पीस सबमिट की थी उस तारीख को यहाँ पर फिल करना है जी हाँ दोस्तों किस तारीख़ को फिल करना है जिस तारीख को हमने अपनी पीस सबमिट की थी उस तारीख को यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों फिल करना है ओके इसके बाद में आता है दोस्तों एलोनमेट डेट एनरोलमेंट डेट का मतलब होता है नामांकन तारीख अब दोस्तों बात आती है नामांकन तारीख़ और एक होता है यहाँ पर एनोनमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर अब बात आती है कि ये चीज़ तो हमारे पास है नहीं है अब हम कहाँ से डालें इन चीज़ों को क्योंकि आपको पता है कि अभी कॉलेज में कोई सी भी कॉलेज हो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो अभी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं अब कुछ ही टाइम में एक दो दिन में स्टार्ट होने वाले मैं आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दूंगा लेकिन दोस्तों अभी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं अब बात आती है कि जब तक एलोनमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तब तक हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ आपके पास में दो ऑप्शन है इन चीज़ों को डालने के लिए क्या ऑप्शन हैं दो देखिए या तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि एलोनमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद में आपकी एलोनमेंट डेट आ जाएगी और एलो एलोनमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर आ जाएगा यानी कि दो से तीन दिन लगभग कुछ कुछ टाइम लग सकता है तो आप वेट कर सकते हैं दो चार पाँच दिन ठीक है आप वेट कर लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एनरोलमेंट नंबर आपकी यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पर आप फिल कर देना नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं सेकेंड काम आपको क्या करना है सेकेंड चांस आपके पास क्या है आपने जो एडमिशन लिया था जो एडमिशन फीस स्लिप सबमिट की थी उसी दिन की तारीख यहाँ पर आप डाल दीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर फिल किया है और आप अपना एनरोलमेंट नंबर की जगह पर आप डाल दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया था जो रजिस्ट्रेशन किया था जैसा कि यू का बात करें तो बारह डबल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था और हम पी की बात करें तो बाईस डबल जीरो से स्टार्ट हुआ था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर पिल कर सकते हैं कोई भी परेशानी नहीं होगी या आप वेट कर सकते हैं नामांकन रजिस्ट्रेशन होने तक का बस आपके पास दो ही ऑप्शन है कोई भी एक चीज़ कर दीजिए कोई भी परेशानी नहीं होगी डिसेबिलिटी स्टेटस पे से आप जो भी आपकी अगर डिसेबिलिटी स्टेटस है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए नहीं तो यहाँ से हम कर देंगे नो आई एम नॉट डिसेबल्ड इसके बाद में हमारे सामने नया टैब आता है डिटेल्स फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन डिटेल्स काउंसलिंग की जो एडमिशन डिटेल्स है हमको यहाँ पर जो फिल करनी है एडमिशन टाइप एडमिशन टाइप में क्या डालना है वो देख लेते हैं हम एडमिशन टाइप एडमिशन टाइप में आपने किस तरह से एडमिशन लिया है सेंट्रलाइड काउंसलिंग, अगर आपने जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है जैसे कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड अगर उनमें अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको सेंट्रल काउंसलिंग ऑप्शन पर ओके okay करना है ओके okay, अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी कि सीएलसी राउंड में अगर आपका एडमिशन हुआ था तो आपको सीएलसी राउंड सेलेक्ट करना है अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है यानी कि ना तो फर्स्ट राउंड ना सेकंड राउंड ना थर्ड राउंड ना सीएलसी राउंड में हुआ है एडमिशन यानी कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ है डायरेक्ट जहाँ एडमिशन किस में होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो वहाँ से एडमिशन हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन सेलेक्ट कर लीजिए और अगर पेमेंट सीट पेमेंट सीट का कोई नहीं होता है कॉलम तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है सेंट्रल काउंसलिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग पर आपको ओके okay कर देना होगा ठीक है इसके बाद में जैसे हम सेंट्रलाइज काउंसिलिंग पर ओके करेंगे इसके बाद में आता है एंटर काउंसिलिंग आईडी और यहां पर आती है एंटर आईडी एंटर काउंसिलिंग आईडी में आपको क्या डालना है फ्रेंड्स एंटर काउंसिलिंग आईडी में जब आपने काउंसिलिंग की थी यानी कि जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में की थी या सेकंड राउंड में की थी या थर्ड राउंड में की थी तब आपको एक काउंसिलिंग नंबर दिया गया था जैसे कि 119 से स्टार्टिंग होता है बी ए बी का और शायद 221 से स्टार्ट होता है या 222 से ऐसा कुछ स्टार्ट होता है दो से वो होता है एम ए एम कॉम एम वालों का होता है तो वो वाला जो काउंसलिंग आईडी यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था राउंड सेकंड थर्ड राउंड या सी एल सी राउंड तब तो आपको जो आईडी दी गई थी वो आईडी डी यहाँ पर आपको फिल कर देनी होगी इसके बाद में यहाँ पर काउंसलिंग डेट और किस तारीख को आपने काउंसलिंग करवाई थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी होगी इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको योर लास्ट ईयर एग्जाम इन्फॉर्मेशन योर लास्ट ईयर एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आपको लास्ट ईयर का जो जैसे कि आप अगर बीए बी एस सी बी कॉम कर रहे हैं तो आपको ट्वेल्थ क्लास का जो कि डाटा डालना है और अगर आप एम एम कॉम एमएससी कर रहे हैं तो आपको बी ए बी एस सी बी कॉम का यहाँ पर डाटा डाल देना होगा इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन छात्र छात्रा के निवास संबंधी विवरण यानी कि अगर आप कैसे रह रहे हैं अगर आप हॉस्टल में रहकर रह रहे हैं आर यू हॉस्टलर अ डे स्कॉलर क्या आप हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल में रहकर जो कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो तो आपको यहाँ से आई स्टे इन हॉस्टल कर देना है अगर नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट हॉस्टल कर देना होगा जैसे अगर आप आई स्टे इन हॉस्टल में क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा चूज हॉस्टल टाइप कौन सा हॉस्टल है आपका गवर्नमेंट हॉस्टल इंस्टीट्यूट हॉस्टल है प्राइवेट हॉस्टल यहाँ पर अपने जो हॉस्टल का जो नेम डाल देना होगा जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्टल पर ओके करेंगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्टल होंगे यहाँ पर नेम आ जाएंगे ओके इसके बाद में आपने एडमिशन कब लिया है हॉस्टल में वो आप यहाँ पर डाल देना है जैसा कि हमने आई एम नॉट हॉस्टलर हॉस्टलर में है तो हम यहाँ से आई एम नॉट हॉस्टलर पर ओके करेंगे और इसके बाद में आता है हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन फादर हस्बैंड मदर नेम अकप्सन डिटेल्स फादर हस्बैंड मदर्स इनकम और अकप्सन डिटेल्स यहाँ पर जो कि आपको फिल करनी है फादर हस्बैंड अकप्सन यानी कि आपके जो फादर्स हैं यानी कि आपके जो फादर्स हैं वो क्या काम करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी आपके जो फादर्स हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओन बिजनेस तो हम यहाँ से ओन बिजनेस शॉप पर होके okay करेंगे और यहाँ से अकसम डिट क्या आपकी जो कोई भी ओन बिजनेस है तो कौन सा जो बिजनेस करते हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है और आपकी जो इनकम है फादर्स की वो यहाँ से डाल देनी होगी जैसे चालीस हजार यहाँ से हम फिल कर देंगे और यहाँ से भी जो कि चालीस हजार डाल देना है और मदर्स अकप्शंस में क्या डालना है आपको जैसे कि मदर अकऑप और मदर अकऑप डिस्क्रिप्शन और टोटल इन, इनकम मदर्स की भी आपको इनकम जो कि शो करानी होगी और यहाँ पर भी तो जैसे कि आपने अगर फादर्स की, तो की इनकम शो करा दी है तो आपको मदर की इनकम शो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी मदर कोई भी अगर वर्क नहीं करती हैं तो यहाँ से हम हाउस वाइफ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे जीरो जीरो ओके और यहां पर भी हम जो कि जीरो जीरो डाल देंगे इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है डिटेल्स फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये क्या आपके पास अदर सोर्सेस से भी अगर इनकम हो रही है तो तो अगर से डाल दीजिए नहीं तो यहां से आप छोड़ सकते लिख सकते हैं यहां पर नील पर क्या डालना है आपको नील यानी कि हमारी कोई भी अदर से जो कि इनकम नहीं हो रही है ठीक है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस फादर मदर इनकम मतलब टोटल जो इनकम है फादर्स की मदर ठीक है या अदर सोर्सेस तो टोटल जो इनकम होती है वो यहां पर आपको शो करने लगेगी और यही है, जो इनकम जो शो करती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी होगी जैसे कि हम यहाँ से चालीस हजार यहाँ से शो कर देंगे इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि क्या होता है आय प्रमाण पत्र यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र आपको डालना है आय प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया कि है यानी कि तहसीलदार जनपद पंचायत जो भी जिसके भी द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पर डाल अगर तहसीलदार के द्वारा जारी किया है तो यहाँ से आपको तहसीलदार डालना है और इसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट डेट यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका कब जारी किया गया था कितनी तारीख को जो कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया था वो यहाँ पर आपको डाल देनी होगी इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा सो एंड सॉरी चेक एंड बेलेटेड माई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंप्लीटनेस एंड तो यहाँ से आपको जो कि ओके okay कर देना है और यहाँ से आपका चेक हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्म

अब हमने कन्फर्म कर दिया है तो कन्फर्म करने के बाद में हमको क्या करना है यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई देगा दोस्तों जैसा कि मैं आपको अलर्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन ब्लू कलर में दिखाई देगा दोस्तों रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन ब्लू कलर वाले टैब में आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना होगा तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर के बॉक्स में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा यहाँ पर दिखाई देगा सक्सेस तो इसका मतलब है हमारा फॉर्म है अच्छी तरह से सेव हो चुका है सक्सेस हो चुका है अब इसके बाद में यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है अब दोस्तों वापस से हमको आ जाना होगा उसी टैब में और यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई देगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड तो दोस्तों अब हमको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करना है क्योंकि अब हमको जो भी प्रोसेस करना है बो हमारा डॉक्यूमेंट है वो लॉक करना है स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉक करना है तो लॉक करने के लिए दोस्तों हमको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा तो दोस्तों जैसे ही हम एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक किया हमने यहाँ से जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ से सबसे नीचे हमने एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी सारे फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि हमने अभी फर्स्ट टाइम में अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है अगर आप सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सेकंड बॉक्स दिखाई देगा और दोस्तों आप थर्ड ईयर के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर थर्ड थर्ड बॉक्स दिखाई देगा बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा दोस्तों सेम टू सेम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी के लिए सेम प्रोसेस ओके अब दोस्तों यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी बार एडिट किया एक्शन चेक कर सकते हैं और अगर आप अब भी एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा पॉलमल लॉक नहीं हुआ है लॉक होने के बाद हम एडिट नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों अब दोस्तों अगर हमारा फॉर्म अच्छे तरीके से चेक कर लिया है आपने अच्छे तरीके से भर चुका है तो अब आपको क्या करना है यहाँ से लॉक पर क्लिक करना है क्या करना है दोस्तों यहाँ से लॉक पर क्लिक करना होगा तो लॉक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने नया एंट्रपेस आएगा तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का एंट्रपेस आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है लॉक एप्लीकेशन करना है एप्लीकेशन को क्या करना है दोस्तों लॉक करना है और लॉक करने से पहले आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी यहाँ पर आपको जो कि लास्ट ईयर की डिटेल्स फिल करनी है अगर आप फर्स्ट ईयर का अप्लाई कर रहे हो तो ट्वेल्थ क्लास की डिटेल फिल करनी है यानी कि हम कह सकते हैं लास्ट ईयर की डिटेल्स हमको यहाँ पर एक बार फिल से फिल करनी होती है यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रिजल्ट में देखिए दोस्तों सबसे नीचे क्या लिखा गया है रिजल्ट और रिजल्ट में आपको सेलेक्ट करना है प्रमोट टू नेक्स्ट ईयर हाई हायर क्लास या यहाँ पर पास लिखा है तो इसी फर्स्ट वाले ऑप्शंस को क्लिक करना अगर आप फेल हैं तो फेल को सिलेक्ट कीजिए और अगर दोस्तों पास हो गए हैं तो आपको सेलेक्ट करना है प्रमोटेड टू तो नेक्स्ट हायर क्लास या पास और ब्लैक में लिखा है पास तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा ओके और कुछ भी नहीं करना है डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने पर आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा रेड कलर में लॉक माई एप्लीकेशन तो लॉक कर देना होगा तो दोस्तों फिर से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा इस तरह का यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉक माई एप्लीकेशन तो यहाँ से आपको जो कि येलो कलर में लॉक माई एप्लीकेशन दिखेगा तो यहाँ से आपको फिर से लॉक कर देना होगा इसके बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर के बॉक्स में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंट ओ टी पी लॉक एप्लीकेशन तो हमारे पास एक ओ आएगी यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप हमारे पास एक ओ आ जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आठ डिजिट का यहाँ पर लिखा है एट डिजिट का एक ओ आया होगा इसको यहाँ पर पिल करना है इसके बाद वेरीफाई ओ पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों ओ टी रहेगी वो दस मिनट के लिए वैलिड रहेगा तो दोस्तों इस ओ को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कीजिए और आपका ओ नहीं तो दस मिनट के बाद यहाँ से जो कि रिजेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ओ डाल दिया है और ओ डालने के बाद हमारा सक्सेस हो चुका है फॉर्म और सक्सेस होने के बाद में यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा लॉक एप्लीकेशन इसको कर देना है और हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा लॉक होने के बाद में आपको फिर से एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ जाना होगा तो फ्रेंड जैसे ही आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे आपके सामने आ जाए कुछ इस तरह का इंटरफेस अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आपने जो भी सबसे पहले लास्ट में जो एप्लीकेशन फिल किया है जैसे कि हमने ये वाला फिल किया है थर्ड ईयर में यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा अपना जबकि सेकंड ईयर में आपने जो एप्लीकेशन फिल किया था वो भी दिख जाएगा फर्स्ट ईयर में जो किया था वो आपको वो भी दिख जाएगा थर्ड ईयर में जो भी किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्यू एंड प्रिंट तो हमको यहाँ से प्रिंट वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर ओके कर देना होगा तो हम यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर ओके कर देंगे तो हम यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर ओके करेंगे हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको ओ डालना होगा जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा डाल देना होगा इस वाले बॉक्स में यहाँ से कर देना होगा प्रिंट माई एप्लीकेशन पर ओके तो हम यहाँ से सबसे पहले जो कैप्चा दिया गया है वो हम कैप्चा यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं जैसे कि जे एन एक्स डी और यहाँ से हम प्रिंट माई एप्लीकेशन पर ओके करेंगे तो ये जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाउनलोड होने लगा है यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पर ओके कर देंगे और ये डाउनलोड होने लग जाएगा ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स यार अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट करें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए और फ्रेंड्स अगर आप को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं उस ग्रुप में हम डिस्कस करते रहते हैं सारी सारी न्यूज़ जानकारी के बारे में तो वीडियो करते समाप्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए बाय